निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज महात्मा ज्योतिराव आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम नागपुर में स्थित है और यहाँ पर वकील लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिल रहा है। ये आंदोलन ईवीएम मशीन को बंद करने के लिए है और इस आंदोलन को लेकर के पूरा वकील जो संच है यहाँ पर खड़ा हुआ है। इनकी क्या क्या मांगे हैं, ये क्या क्या सरकार से चाहते हैं और ईवीएम मशीन को बंद करने के लिए ये क्यों रास्ते पर उतरे हैं, क्या इनका लोकतंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या इनका चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आइए तो सबसे यहाँ पर हमारे वकील साथी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत से वकील साथी यहाँ पर एक साथ हुए हैं। इनके पास में आप ये पेपर देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है, ईवीएम हटेगा तभी देश बचेगा, ऐसे नारे ये लगा रहे हैं। और इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि ईवीएम मशीन हटाने का क्या उद्देश्य है, क्या इनका चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या इनका देश की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या बताना चाहेंगे सर, क्या परिचय दीजिए और नाम बताइए। मैं एडवोकेट राजू शिंदे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस भारत देश के चुनाव आयोग को कि जो मशीन से जो चुनाव होते हैं वो मशीन से चुनाव हैक हो सकते हैं, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि आज के देश में जब अपन जो अभी जो बड़े बड़े यान और मिसाइल जो छोड़े गए यहाँ पे, वो देखिए ज़मीन से पूरा उसको कंट्रोल किया गया है, तो ईवीएम की कंट्रोल करना ईवीएम मशीन को कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जनता के मत का जो मतदान करता है, वो जनता के मतदान के मत की चोरी होती है, उनको ऐसा अविश्वास रहता है कि हम जो ईवीएम में वोट दे रहे हैं ये हमारा ईवीएम वोट जिस इस किसी भी एक पक्ष को देने के बजाय दूसरे पक्ष को जाता है, ये हम उनके साथ धोखा होता है, ये लोकतंत्र के साथ धोखा होता है। इसलिए अगर उनका जनता भारत देश के जनता के साथ विश्वास अगर उनका जीतना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ईवीएम मशीन को हटाना होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। चाहे किसी भी पक्ष का सरकार आए, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और देश का लोकतंत्र को बचाओ, ही हमारी मांगनी डिमांड है। चुनाव आयोग के ऊपर आपका भरोसा नहीं है या फिर वर्तमान में जो सरकार है ये जिस तरीके से चुनकर आई है उसका उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग का जो सिलेक्शन हो रहा है उसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टीम रहेगी, तो अगर चुनाव आयोग की अगर प्रामाणिकपणे उसका सिलेक्शन करना होता तो ये सरकार नया कानून बनाकर उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक अपना ही मिनिस्टर्स को नहीं रखती। और जिस तरह से अरुण गोयल का चुनाव हुआ रातों रात 24 आवर्स के अंदर, जब पिटीशन पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब उन्होंने 24 घंटे में उसका रेजिग्नेशन वीआरएस करवाया और इमीडिएटली उसका सिलेक्शन हुआ। तो जो व्यक्ति का सिलेक्शन इस तरह से होता है वो चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा एक शक और पैदा होता ही है। और जिस तरह से वो ईवीएम की फेवर कर रहे हैं, उनका काम है सिर्फ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना चाहिए, जबकि वो खुद और उनकी इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ईवीएम मशीन टोटली फ्री टेम्पर प्रूफ है। तो उनको जो जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर लोगों की भावना क्या है उससे हिसाब से चलना चाहिए, और
वहाँ पर वो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की भावना से चल रही है, तो उनके ऊपर शंक शक और होना स्वाभाविक है। और भारत की करीब करीब 95% जनता चाहती है कि मतदान मतपत्र से हो, सिर्फ कुछ चुनिंदे लोग हैं जो ईवीएम से चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर ईवीएम से अरे मतपत्र से चुनाव होगा तो सरकारें बदलेगी और जो पब्लिक को जो चाहिए वो सरकार आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव मतपत्र से हो। देखिए, दुनिया धीरे धीरे डिजिटल हो रही है और अगर आप बैलेट पेपर की मांग करते हैं तो ये पुराना तरीका हो गया। मैं इसके पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, लेकिन इसको रिप्लेस करके ईवीएम लाई गई। तो क्या आप जो ये हो रहा है, मतलब जो डेवलप हो रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो हमारे से बहुत ज़्यादा प्रगत अमेरिका, जापान, ये हमसे भी बहुत ज़्यादा प्रगत है। और जापान और अमेरिका में आज बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो भारत में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री होने के बावजूद भी अगर भारत में बैलेट पेपर यूज़ नहीं किया जाता तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। और डेमोक्रेसी की हत्या कोई चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए और अपने पक्ष के लिए, अपने पक्ष को बढ़ाने के लिए अगर कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ है। ये क्रांति की जोत है। और जब जब इतिहास में हमने देखा है, जब जब जिस जिस देश में वकीलों ने क्रांति की है तो वो क्रांति की ज्वाला इतनी जल चुकी कि तख्ता तक के पलट दिया है। तो ये समय है कि तख्त और ताज आज बदलना है और हमें ये ईवीएम का जो फ्रॉड चल रहा है, ईवीएम का जो घोटाला चल रहा है, ये हमें बंद करना है। बैलेट पेपर पे चुनाव हो, यही हमारी एक आखिरी मांग है। जिस तरीके से आप वकील लोग हैं, आपसे बेहतर कानून कोई नहीं समझ सकता है। और आप अगर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए रास्ते पर आए तो यह बहुत बड़ी घटना इस देश में हो रही है। क्या लगता है कि आपकी मांगों को केंद्रीय चुनाव आयोग हो या फिर सरकार हो, वो संज्ञान में ले सकता है? केंद्रीय चुनाव आयोग तथा जो सरकार है, ये अगर मान लो बुद्धिजीवी लोगों में से अगर बात उठती है और उसको संज्ञान में नहीं लेगी तो फिर सामान्य जनता जो है, यह जो पीछे जा रही है, तो उसकी पैरवी करने के लिए कौन आगे आएगा? सरकार को इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे प्रगति की जहाँ तक बात है, देश की प्रगति होना या प्रगति के हम कोई विरुद्ध नहीं रहता है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, प्रगति के विरुद्ध उसमें नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र का मामला है, चुनाव का मामला है, उसमें फ्री, मुक्त, फेयर और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आवश्यक है। अगर ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है चुनाव के मामले में, तो जैसा मतपत्र होता है, बैलेट पेपर, तो उसमें हम जब वोट करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि हमने वोट किया है। जो भी पार्टी को लोग वोट करना चाहते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उन्होंने वोट किया है, वो समाधानकारक तरीके से उसको फोल्ड करके बैलेट पेपर बॉक्स में डालते हैं। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक बार हमने बटन दबा दिया तो उसके बाद में वो वोट क्या हुआ उसका कोई हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, वो फिजिकली वेरीफाइड है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि हमने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है? चुनाव में की प्रक्रिया में हम हिस्सा तभी ले सकते हैं जब वो हमको नज़र आए कि वो फ्री है या ट्रांसपेरेंट है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, ये जब बुद्धिजीवी लोग वर्ग जब आगे आ रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन वगैरह जो है, जो शब्द है, ये सुनने को अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो मामला है, ये मामला डिजिटलाइजेशन का मामला बिल्कुल नहीं है, ये है ट्रांसपेरेंसी का मामला। और ट्रांसपेरेंसी जहाँ नज़र आती है वही माध्यम से चुनाव होना, यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ प्रक्रिया है। और लोकतंत्र बचाना है तो लोकतंत्र बचाने के लिए केंद्रीय सरकार रहे, केंद्रीय चुनाव आयोग रहे, या देश के प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र बचाने के मामले में हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग और जो ये जो संस्थाएँ हैं, ये संस्थाएँ भी देश की ही एक संस्था है, जैसे कि लोग भी देश के हैं। तो देश के लोगों की बात लोगों ने सुनना चाहिए, इन लोगों ने सुनना चाहिए, और सुन करके बैलेट पेपर जो पुरानी व्यवस्था है उसी में आना चाहिए। जैसे कि प्रगत देश भी है तो वो प्रगत देश भी इसी प्रकार की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, वो डिजिटलाइजेशन वाले बातों में नहीं जाते, वो भी बैलेट बॉक्स से ही चुनाव कराते हैं अपने देश में। तो
हमारे देश में ही ऐसा कौन सा डिजिटलाइजेशन हो गया और प्रगत हो गया? पहली बात तो हमारे देश प्रगत है ही नहीं, प्रगतिशील देश है, तो ऐसी अवस्था में उनको चुनाव आयोग को चाहिए कि वो प्रगत देशों की तरह ही जो बैलेट बॉक्स के माध्यम से ही देश में चुनाव कराए और सारे लोगों को जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनका विश्वास कायम रखे। जिस तरीके से 2013 के बाद में जब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे और 13 के बाद में वीवीपीएटी जो मशीन के साथ में उसको जोड़ा गया है ना, वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रेल मशीन, ऐसा उसका संदर्भ है, तो क्या वो जो उसमें से जो पर्ची निकलती है उसकी काउंटिंग होती है? आप एक तो सही बात ये जान लीजिए कि ये जो आंदोलन आज हो रहा है, ये आंदोलन जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आंदोलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 2013 में, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उस टाइम और आज भी वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद इस ईवीएम के पूरे प्रोसेस पे जो है सवाल निर्माण किया था और सवाल निर्माण करके उन्होंने बोला था कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते, जो सरकारें ईवीएम से चुन के आती है वो झूठी सरकारें हैं। इसी का संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि ईवीएम से जो है निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते। जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट जो हमारे जो लोक प्रतिनिधि का जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जिस एक्ट के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया जो है चुनाव की जो संचालित होती है, उस एक्ट में पहला जो चुनाव लेने का जो माध्यम है वो बैलेट का माध्यम है और वो जो बैलेट का माध्यम है वही फाइनल माध्यम है और उसी बैलेट के माध्यम से जो भी चुनाव होने चाहिए वो चुनाव होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार चुनाव आयोग ने जो है अपना काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसा है कि इस प्रक्रिया को जटिल बनाया जा रहा है। जब आपको अल्टीमेटली अगर हमको अगर वीवीपैट में जमा होने वाली पर्ची को अगर हमने गिनना ही है तो फिर हम डायरेक्ट बैलेट पे क्यों ना वोट करें, डायरेक्ट फिजिकल वोट क्यों ना करें? अभी देखिए वो जो पूरा प्रोसेसर है वो तीन यंत्रों का प्रोसेसर है। पहले तो आप बटन दबाते हो, उसके बाद आपको 7 सेकंड के लिए वो पर्ची दिखती है, पर्ची दिखने के बाद आप उस पर्ची को अच्छे से देख भी नहीं पाते 7 सेकंड, उसके बाद कम से कम 5 मिनट उसको जो है कंट्रोल यूनिट में जाकर आपका वोट कास्ट होने के लिए लगते हैं। तो सवाल ऐसा है कि इस तरीके की जो प्रक्रिया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आपका वोट कहाँ जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नकारा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किससे डरती है, चुनाव आयोग किससे डरता है कि वो इस प्रक्रिया को बैलेट की प्रक्रिया को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात कि 2013 में जब वीवीपैट का जो प्रयोजन है वो जब सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, उसका क्या अल्टरनेटिव है, तो सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि कुछ चीट निकले, हमको पता चले कि किसको वोट गया है, हम वो देख पाए। तो जब वो चीट, जब वो प्रोविजन बनाई गई वीवीपैट की, तो उसमें स्पष्ट ये दिया गया, यानी वो प्रोविजन करके भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप वो चीट सिर्फ आपको दिखेंगी ना, वो आप हाथ में ले सकते हैं ना, आप चुनाव आयोग से या फिर कंसर्न इलेक्शन ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप वो पर्चियाँ गिनी है, तो पर्चियाँ गिनने का प्रावधान है नहीं। अभी 2024 के इलेक्शन के पहले सारी जो विपक्ष पार्टियाँ हैं उन्होंने ये मांग रखी है चुनाव आयोग के सामने कि अगर आप बैलेट नहीं ला सकते हो तो कम से कम जो पर्चियाँ जाती है वीवीपीटी पैट में उसको गिना जाए, लेकिन उसी प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग करने के लिए राजी नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोदी और शाह ने जिस तरीके का एक डोजियर चला के रखा है पूरे सिस्टम पे, फिर वो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस वजह से हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका प्रलंबित है जो ईवीएम पे सवाल उठाती है, जो वीवीपैट पे सवाल उठाती है, उन याचिकाओं पे हेयरिंग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, चुनाव आयोग के पास 2019 के पहले भी, 19 के इलेक्शन के पहले भी भारी मात्रा में विपक्ष गया था और उन्होंने बोला कि हमें बैलेट चाहिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन बैलेट की प्रक्रिया सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बोला कि हम बैलेट से नहीं, हम ईवीएम से चुनाव चाहते हैं। अभी कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमें 190 सीटें मिलने की उम्मीद थी मध्य प्रदेश में, लेकिन हमें 64 सीटों पे ही आना पड़ा। तो ये जो सारी विपदाएं हैं वो हो रही है ईवीएम मशीन से, तो भैया हमारा ये कहना है कि इतना खर्चा आप क्यों करते हो, और ये सारा जो मामला है देशद्रोह का मामला है। अगर आप
इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अगर चुनाव के रिजल्ट ही अगर बदला रहे हो तो आप झूठी सरकार है, झूठे लोग, झूठे प्रतिनिधि आप देश में ला रहे हो और उस माध्यम से देश का दोहन कर रहे हो, तो ये तो देशद्रोह का मामला है। तो इन सारी प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए अगर बैलेट लाएंगे तो ही निष्पक्ष चुनाव होगा, ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। मुद्दा ये है कि आप जो आप बात सुन लीजिए, आप जो मुद्दा पूरे देश में उठा हुआ है, क्या इसके इससे बड़ा मुद्दा देश में आज हो रहा है तो उसके मुद्दे में वो जो मुद्दा है आपका वो दब जाएगा क्या? ऐसा मुझे मैंने आपसे पूछा, आप जवाब दीजिए। कोई दबता नहीं मुद्दा, वही बोल रहा हूँ। पहली बात ये है, एक जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है उसका भारत के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो किसी विशेष संगठन का, RSS का अपने खुद का एजेंडा है, और उसके जो पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका राजनीतिक पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये कोई खुद से बनी हुई पार्टी नहीं है, पहले जनसंघ था। और जब जनता पार्टी के चुनाव हुए थे 1977 में, उसी को भारतीय लगा के भारतीय जनता पार्टी हुई, ये चुनावी हुई पार्टी है। तो ये जो मामला है, जो धार्मिक मुद्दा है, वो दिगर मामला है, हमें उसके ऊपर में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। लोग अपना धार्मिक सम्मेलन करें, उसका उत्सव मनाए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। लेकिन रही बात देश की, देश का, संविधान का और सरकार का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं रहता, ये संविधान कहता है, मैं नहीं कहता। और ये वोट EVM जो मशीन आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये 90 के दशक में इंट्रोड्यूस हुई, जब वो 5,500 की EVM मशीन थी। पहले M1 नाम की मशीन यूज़ होती थी, फर्स्ट जनरेशन, बाद में M2, अभी M3 यूज़ होती है, नेक्स्ट जनरेशन। इसको भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बाकी कंपनियों ने, सरकारी कंपनी ने डेवलप किए उसको, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन बैलेट पेपर क्यों चाहिए? सरकार ने अभी तक, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में भी वकील साहब ने कहा है, सारी बातें उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय को सरकार सैटिस्फाइड कर पाई, ना ही चुनाव आयोग सैटिस्फाइड कर पाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT लगाने का आदेश दिया था, वोटर्स वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रेलर उसको बोलते, स्लिप बोलते उसको, और उन्होंने डायरेक्शन भी दिया था कि कुछ स्लिपों का मिलान हो करके उसको भी गिने, 20% कुछ है उसमें, ये भी इसका भी दिशा निर्देश का पालन चुनाव आयोग नहीं करती जी। जिस देश की संस्था चुनाव आयोग है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देशन का पालन नहीं करती, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का, धार्मिक उन्माद का एजेंट बन के मात्र रह गई है। तो ऐसी एजेंट के द्वारा निष्पक्ष पारदर्शक चुनाव असंभव है। इसलिए कोई भी जनता के अंदर में आंदोलन अपने आप में तैयार नहीं होता, उस देश की बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य होता है कि वो लोगों तक अपने मुद्दे को लेके जाए, लोगों में जागरूकता फैलाए। या दिन भर लेबर काम करने वाला आदमी सवेरे जाएगा, दिन भर काम करेगा, दिहाड़ी करेगा, वो कहाँ से सोचेगा इसके बारे में? तो पेट भरने से उसको, हाँ, तो बुद्धिजीवी लोगों का कर्तव्य रहता कि वो लोगों तक अपनी बात को पहुँचाए। यह आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, इसके बारे में पूरी जनता के मन के अंदर में अविश्वास की भावना है। और कि वकील मात्र नहीं कर रहे हैं आंदोलन, बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं भी कर रही। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो खुद को संविधान को मानने वाली समझे या फुले शाह अम्बेडकर को मानने वाली समझे, उनका मुद्दा EVM मशीन है ही नहीं। कि राजनीतिक पार्टियों ने भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लगता है कि EVM के माध्यम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने EVM मशीन इंट्रोड्यूस की, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे लाया। तो मुद्दा ये है, इसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या देश की जनता के वोटों का सही इस्तेमाल हो रहा, क्या कि उनके वोटों की चोरी हो रही, वोटों की चोरी कर रही है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले बैलेट पेपर होते तो रिगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, महाराष्ट्र में नहीं देखे होंगे आपने, लेकिन गांव खेड़े में होते थे। कोई भी आदमी हैक कर सकता है, तुम्हारा मोबाइल पे बैठे बैठे हैक हो सकता है,
हैकर्स भी रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप रहती है, और ये चिप भारत में नहीं बनती, ये चिप बनती है चाइना में। कोई भी चिप दुनिया के अंदर में बनती है सिर्फ चाइना में बनती है, और चाइना सबको चिप देती है, अमेरिका को भी देती है। तो चाइना का प्रोडक्ट कितना रिलायबल है ये दुनिया को मालूम है, यूज़ एंड थ्रो वाला मामला। तो जैसे फुटपाथ पे चाइनीज के ठेले दिखते ना, वैसी ईवीएम मशीन में चाइनीज के चिप भी लगी हुई है। तो ये चिप चुनाव है, तो देश की जनता को समझना पड़ेगा। जब आज़ादी हुई थी ना देश की, तो आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान वकीलों का रहा था। गांधी भी बैरिस्टर था, नेहरू भी बैरिस्टर था, वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर था, बाबा साहब भी बैरिस्टर थे। संसद में जब पहले चुनाव हुए थे तो 56% जब संसद चुन के आए तो 56% संसद ये वकीली पेशे से आए थे। आज वकील दिखते क्या संसद में? चोर उचक्के दिखते, गुंडे मवाली दिखते आए ना, बिल्कुल सबके ऊपर में केसेस है। वकील क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वकील बोलता है, वकील को कानून की जानकारी होती है, वकील संविधान के बारे में जानता है, वकील इतिहास जानता है, और सबसे बड़ी बात है कि वकील इतिहास बनाना भी जानता है। क्योंकि आज़ादी की इतिहास अगर किसके कलम से लिखा गया होगा तो वकीलों के कलम से लिखा गया होए, कोई चाय बेचने वाले की नहीं, वो भी झूठी चाय बेचने वाले। तो ये है, तो ये जो आंदोलन चालू हुआ है ये आंदोलन देश की जनता के मन में है। जैसा प्रधानमंत्री बोलता ना, मन की बात देश की जनता के मन में है। हम भी यही कहेंगे कि देश की जनता के मन में है कि वकील लोग इस आंदोलन की अगुवाई करे करके कस्टोडियन असेंबली में दिखा समझ में आ जाएगा, और सारी जो विकसित कंट्री है, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, सारी की सारी 2-4-5 कंट्री है जो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री है, साउथ अफ्रीका वगैरह, वहीं पे सिर्फ ईवीएम से चुनाव होते, बाकी जगह नहीं होते। तो हमारी मांग नहीं है, हम चाहते हैं, और ये हमारा अधिकार है, और हम इसको लेकर लेंगे। आने वाला 2024 का चुनाव ये बैलेट से होकर रहेगा, नहीं तो ये चुनाव ज़्यादा उग्र स्वरूप धारण करेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, चुनाव की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।